बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं और हजारों नौकरियां भी दी जा रही है और भी नौकरी देने की बात कही गई है। इधर नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायक सेविका के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। आंगनवाड़ी सेविका जो होगी उसका जो दायरा होगा इंटरमीडिएट और समकक्ष, और जो सहायिका होगी उसे मैट्रिकुलेट होना होगा। मैट्रिक पास और 8 क्लास पास पहले था, लेकिन अब सहायिका को मैट्रिक पास होना होगा और इंटरमीडिएट पास आंगनवाड़ी सेविका को होना होगा, और इस चयन प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करेंगे जिला के उप विकास पदाधिकारी, और उधर ऑनलाइन आवेदन की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद मेधा सूची बनेगी, उस सूची के आधार पर अब आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को काम करने का मौका मिल पाएगा। उधर जो लोग शराब के कारोबार करते थे और जो लोग शराब और ताड़ी बेचने के काम करते थे उन लोगों को अब जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपया का उसे मदद की जाएगी ताकि वो कोई छोटे मोटे रोजगार कर सकें। पटना स्मार्ट सिटी के लिए 982 करोड़ ही मिलेंगे और उसी पैसे से पटना को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात कही जा रही है। और बिहार में अब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य भर के लिए विस्तृत कार्य योजना मई महीने से लागू की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने बताया कि पटना, मुजफ्फरपुर और गया को छोड़कर बाकी के शहरों के लिए कार्य योजना को अगले 6 महीने के बाद लागू कर दिया जाएगा। तरह तरह की योजनाएं निकाली जा रही है और यह बड़ी खबर निकल कर आई कि आंगनवाड़ी सेविका अब इंटरमीडिएट पास होगी और सहायिका मैट्रिकुलेट होना होगा और ऑनलाइन आवेदन होगा और फिर मेधा सूची बनेगी, फिर जाकर उसे काम करने का मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 में विवेक का। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।